हेलो फ्रेंड्स, मैं वेजस्वी पटेल में स्वागत करती हूँ आपका वेजस किचन में। मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार व्रत में खाने वाली सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू कर लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ मैंने 10 से 12 काली मिर्च, 6 से 7 दालचीनी के टुकड़े और 4 लौंग ले लिया है, और ये 1 टेबलस्पून सूखे नारियल का पूरा। अब इसे हम सूखा ऐसे ही कढ़ाई में सेक लेंगे। साथ ही में उसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून जीरा। अब उसमें हम डाल देंगे सूखे नारियल का पूरा। अब उसे हम अच्छे से सेक लेंगे। करीबन 3 से 4 मिनट तक उसे सेकेंगे अच्छे से। बस तो हमारा सिक्के तैयार है, उसे हम पीस लेंगे। साथ ही में उसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च और छोटी सी अदरक का टुकड़ा। अब उसे पीस के हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। अब कढ़ाई में हम ले लेंगे 2 टेबलस्पून जितना मूंगफली का तेल। साथ ही में जो पेस्ट हमने बनाई थी वो उसमें हम डाल देंगे। अब हम उसे अच्छे से सेक लेंगे तेल में। अब उसमें हम डाल देंगे आलू। 1 बाउल बॉयल आलू है जिसे मैंने मैश करके उसे डाल दिया। आलू को मैंने यहाँ रफली मैश किया है। अब साथ ही उसमें मैंने डाल दिया 1/2 बाउल पानी। साथ में उसमें हम डाल देंगे सेंधा नमक, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर। अब उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब उसमें हम डाल देंगे 1/4 बाउल पनीर। यहाँ मैंने फ्रेश पनीर बना के रखा था, वो उसमें मैंने डाल दिया। अब सब्जी को हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। व्रत में आपने सूखी सब्जी तो कई बार बनाई होगी, लेकिन इस बार इस तरीके की सब्जी आप बना के ट्राई ज़रूर करना। ये बच्चों के साथ बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।